भाजपा युवा मोर्चा उपाध्यक्ष नितेश सिंह राणा ने चुनावी मुद्दों पर बातचीत व जन जागरण को मतदान के लिए जागरूक करने के संदेश दिए। भाजपा युवा मोर्चा उपाध्यक्ष नितेश सिंह राणा ने की जगाधरी हल्के से भाजपा उम्मीदवार कन्वर पाल के पक्ष में मतदान की अपील। 1100 करोड़ भाजपा उम्मीदवार ने किए जगाधरी हल्के के विकास पर खर्च। गाँव में भी शहर के बराबर विकास पर सुविधाओं की उपलब्धता को महत्वता दी। स्वच्छ भारत के प्रति जागरूक किया। मुफ्त इलाज के लिए आयुष्मान सेवा का लाभ हल्के में ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिले, इसके लिए भी प्रयास जारी। भाजपा ने कई सालों से लटके मुद्दे जैसे 3 तलाक, 370 व हाल ही में राम मंदिर पर सुनवाई माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पूरी कर इन मुद्दों से देश व देश की जनता को निजात दिलाई, भारत को एक सूत्र में पिराने का कार्य किया। यमुनानगर से अजय खुराना की रिपोर्ट। साथ हैं भाजपा युवा मोर्चा से उपाध्यक्ष नितेश सिंह राणा जी, जिनसे पहले भी परिचय करवा चुके हैं हम, और आज भी हमारे पास कई सारे सवाल हैं पूछने के लिए। नमस्कार नितेश सिंह राणा जी, बढ़िया जी बढ़िया। पहले तो सबसे बड़ा सवाल यही होगा, अभी हाल ही में आपने बसपा समर्थकों और कांग्रेस समर्थकों का एक बड़ा ग्रुप भाजपा में विलय करवा दिया, और एक तरीके से जहां से भाजपा को वोट पड़ने की उम्मीद जिस इलाके से बहुत कम थी और वहां पे कांग्रेस समर्थक और बसपा समर्थक थे, अब वहां से भी भाजपा को एक बड़ा वोट बैंक मिलेगा, तो ये कैसे कर पाते हैं आप? मतलब जहां पर आपको लगता है कि हाँ भाई ये लोग वाकई नीतियों से प्रभावित हैं, या फिर आप पहुंच जाते हैं समझाते हैं लोगों को? देखिए जी, सबसे पहले तो लोग भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी की, माननीय हमारे मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी की, और हमारे स्पीकर साहब। मेन तो जो स्पीकर साहब का ग्राउंड पे काम है ना जी, वो देख कर उनका व्यवहार देख के लोग ऑटोमेटिक ही उनकी तरफ प्रभावित होते हैं। उनके अंदर एक ऐसा अट्रैक्शन है, ऐसा काम करने का उनका तरीका है कि उन्हें देख के लोग अपने आप उनकी तरफ खींचने का कोशिश भी करते हैं और प्रयास भी करते हैं। अभी हाल ही में विधानसभा स्पीकर ने, जो कंवर पाल जी हैं भाजपा के प्रत्याशी हैं जगाधरी से, उन्होंने अभी हाल ही में कहा कि 1100 करोड़ के विकास कार्य हैं उन्होंने जगाधरी हल्के में करवाए, और लोगों ने देखे भी, चाहे वो सड़कें हों खिजराबाद या आगे तक, सड़कें बार बार बनाई गई, जहां से जरा से भी टूटी है तो दोबारा बनाया गया उसको, टू लेन, जहां पहले सिंगल रोड भी इतनी खराब हालत में थी वहां डबल हाईवे तैयार किया गया, लोग जो पहले किसी और रास्ते से निकलते थे अब इस रास्ते से स्पेशल जाते हैं कि ये रास्ता अच्छा है, और गाँव में जगह जगह, मतलब एक तरह से गाँव और शहर में फर्क नहीं किया उन्होंने विकास के नाम पर, यानी कि जितना पैसा जगाधरी हल्के शहरी में लगाया गया उतना ही ग्रामीण इलाके में भी लगाया गया, तो इस नीति से तो प्रभावित हो के एक बड़ा वोट बैंक है ही उनके साथ, और आप किस तरह जनता को जागरूक कर रहे हैं कि भाजपा और आने वाले समय में जगाधरी हल्के के लिए क्या ऐसा कार्य करेगी जिससे और ज्यादा समर्थन मिल रहा है? देखिए भाई साहब, आप कंपेयर कर लीजिए, हम तो तीन ही कैंडिडेट, तीन क्या, हम तो अपने सामने किसी को कैंडिडेट नहीं मानते। माननीय कंवर पाल जी जैसा ईमानदार शरीफ आदमी, पूरी विधानसभा को मिलने का जो सौभाग्य है ना जी, ये सौभाग्य बड़े अच्छे हम लोगों ने कर्म करे होंगे, इस विधानसभा के लोगों ने बहुत अच्छे कर्म करे होंगे, जो माननीय कंवर पाल जी का ज्यादा सौभाग्य हमें मिला, स्पीकर साहब हमें यहाँ मिले, जो पूर्व में स्पीकर रहे हैं, चाहे वो कुलदीप शर्मा जी हैं चाहे कोई और है, एक आम जन की हिम्मत नहीं होती थी उनसे बात करने की, अब स्पीकर साहब के पास जाइए, आज नहीं आज से 5 साल पहले भी और आने वाले समय में भी ऐसे ही रहेगा, आप कहीं भी उनकी बाजू पकड़ के, उनका हाथ पकड़ के, उन्हें रोक के उनके साथ बातचीत कर सकते हैं, और यही लोग देखकर, उनकी नीतियां देखकर, उनका व्यवहार देखकर, कि वो आम जनता से उठे, हमारे सबके बीच से उठे आदमी है, कोई ऊपर से पैराशूट नेता नहीं है, आज से 30 साल पहले जब से मैं पैदा भी नहीं हुआ उससे पहले से वो राजनीति कर रहे हैं, जो लोगों के बीच में है, इस कारण लोग उनको सहयोग दे रहे हैं। इस बार के इलेक्शन में जहां विपक्षी पार्टियां बड़े सारे मुद्दों पर सत्ताधारी सरकार पर, उनके नुमाइंदों पर निशाना साध रही हैं, चाहे वो सड़क का हो या वगैरह वगैरह जो भी मुद्दे हो, बल्कि इन चीज़ों के लिए वोट नहीं किया जाता, वोट देश के लिए किया जाता है, लेकिन घूम फिर कर मुद्दे फिर यही हैं, तो जहां तक भाजपा प्रत्याशी हैं जो जगाधरी से कंवर पाल जी, उनका सवाल है, 1100 करोड़ खर्च करने के बाद, एक बड़ा वोट बैंक लेने के बाद भी उनकी भाषा बड़ी सीमित है, जहां विपक्षी पार्टियां अशोभनीय भाषा, असभ्य व्यवहार का परिचायक देकर अपनी सभाओं में जनता को संबोधित कर रही हैं, वहीं कंवरपाल जी बड़ी सभ्य भाषा का परिचय देते हुए और बड़ी आसानी से अपनी जनसभाओं को संबोधित करके निकल जाते हैं, तो इस बार भाजपा इतनी तीव्र ना होकर इतनी आसानी से, इतनी आराम से कैसे चलती चली जा रही है? देखिये भाई साहब, जो फलदार पेड़ होता है ना वो हमेशा झुका रहता है, और जो फलदार पेड़ होता है इसी पे लोग बट्टे मारते हैं, ठीक है ना जी। अब माननीय स्पीकर साहब एक फलदार पेड़ है, तभी उनके ऊपर बट्टे मार रहे हैं लोग, अब जिनके ऊपर कोई फल ही नहीं है, जिनका पेड़ पे ही सौदा कुछ नहीं है, उनके ऊपर ना तो कोई बट्टे मारने का,
और ना कोई कुछ कहने का। अब रही स्पीकर साहब की बात, देखो उन्होंने काम किया है और वो काम के लिए ही वोट मांग रहे हैं, आगे भी उन्होंने काम ही करने हैं, ना उन्होंने गंडागर्दी करनी है। अब पिछले 5 साल में मुझे एक भी ऐसा कोई आदमी आगे कह जाए कि जी कंवरपाल जी ने हमारे साथ यहां गलत कर दिया, तो भाई साहब मैं मान जू कोई एक आदमी ये बात कह जाएगा। और जो ने खिलाफ प्रत्याशी खड़े हैं, किसी के खिलाफ 17 केस, किसी के खिलाफ 5 केस, को कहीं किसी कांड में, कोई कहीं किसी कांड में, स्पीकर साहब तो कहीं भी नहीं, बड़ा साफ छवि का आदमी। और नेता होना भी इसी प्रकार का चाहिए, जिसकी छवि साफ हो, सुंदर छवि का आदमी हो, हर आदमी की पहुंच का आदमी हो। तो कंवरपाल जी में एक खासियत है कि आप कोई भी उनके पास चले जाओ, खाली हम कार्यकर्ता नहीं, कोई भी पूरे प्रदेश से भी कोई आदमी चले जाओ अपना समस्या लेकर, तो वो सबसे पहले खड़े होते हैं। नितेश सिंह राणा, भारतीय जनता पार्टी, जगाधरी हलका, जिला उपाध्यक्ष, कितना आसान रहा इतनी बड़ी संख्या में वोटरों को खींच खींच कर भाजपा में भर्ती करवाना? क्योंकि इस बार ऐसा ही हुआ, हमने जिधर देखा उधर मतलब लगातार ऐसा हो रहा है कि नितेश सिंह राणा समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि नहीं, आपका विकास, आपकी पदोन्नति, आपका साथ, आपका एकजुट होना सिर्फ भाजपा में संभव है। देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी आई है हर चीज में पारदर्शिता आ गई। आप एक चीज देखो कि हमने 65,000 से ज्यादा नौकरियां दी अपने 5 साल के कार्यकाल में, तो 65,000 में ना पर्ची चली ना खर्ची चली, सबसे बड़ी बात तो यह है। उस गरीब का बच्चा लग गया जिस गरीब ने कभी ये नहीं सोचा था। जिस तरीके से भाजपा का चुनाव प्रचार चल रहा है, खुद नरेंद्र मोदी आए हैं रैली के लिए, अमित शाह आए, सन्नी देओल आए, हेमा मालिनी आ रही हैं, मनोज तिवारी आ रहे हैं, यानी कि पूरे हलके में पूरा जोर लगा रही है भारतीय जनता पार्टी कि हाँ वोटरों को संतुष्ट किया जा सके, बताया जा सके, प्रचार के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही। और वहीं अगर नरेंद्र मोदी जी का कहें तो बड़े मुद्दे जिनको कहेंगे कि जो सालों से 50-50 सालों से लटके हुए थे और एक मिथक बन चुके थे, रोजाना अखबारों की सुर्खियां बढ़ा रहे थे, अब उन मुद्दों का अंत होने वाला है। जैसे कि कई मुद्दों का अंत हो भी चुका है, 370 लगा लीजिए, 3 तलाक ले लीजिए, या फिर राम मंदिर का जिसकी हाल ही में अभी सुनवाई पूरी हुई है। इतने बड़े बड़े मुद्दों को हल करने की ओर बढ़ती हुई सरकार जिला स्तर पर या राज्य स्तर पर छोटे छोटे मुद्दों पर क्यों घिराई है, क्यों घिर जाती है, मतलब इनका जवाब क्या है? देखिए, कहीं भी कोई सरकार को घेरने में अब तक कामयाब हुआ ही नहीं है। आप झूठे बात बोल दे, कोई कोई झूठी वीडियो अपने आप झूठ फैलाने का काम करे, वो तो लगती जाए, अदरवाइज तथ्य के तौर पर आप तथ्य के ऊपर बात करना जी विपक्ष आगे हमारे साथ, तो तथ्य में तो कहीं भी नहीं आया विपक्ष। अब कंवरपाल जी ने 1100 करोड़ रुपया काम करा अपने हल्के के अंदर, ऐसी कोई गली नहीं, ऐसी कोई नाली नहीं जो उन्होंने काम ना कराया हो। ऐसी ऐसी कॉलोनियों में सिवरेज डल गया जहां कभी किसी नेता ने आग उठा के देखी थी। आप ग्रामीण क्षेत्र में चले जाओ, कल हम उनके साथ ग्रामीण क्षेत्र में थे, जहां किसी ने एक भी पुल नहीं बनाया था, लोगों को नदियों के बीच से निकल जाना पड़ता था। शेर पर चले जाओ, कोटडा चले जाओ, कोटडी चले जाओ, मानी पर चले जाओ, वहां भी उन्होंने पुल बनाने का काम करा है। 9 पुल उनके समय बने हैं, 2 ITI बन गई, 2 कॉलेज बन गए, 2 जो पुराना हॉस्पिटल था उसको बड़ा कर दिया, एक नया अस्पताल लिया है। देखो, विकास पुरुष है कंवरपाल जी, और इसी प्रकार से आगे विकास करेंगे, जनता मौका देगी। अब राणा जी, आने वाले चुनावों में जो अब वोटिंग होने वाली है, मतदान होगा, उसके लिए क्या अपील करना चाहते हैं, जनता को क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मेरी तो जगाधरी विधानसभा की जनता से और पूरे जिले की, पूरे प्रदेश की जनता से जहां तक भी मेरी आवाज जा रही है, सभी से ये अपील है कि जिस प्रकार से 5 साल आप लोगों ने सुशासन देखा है, आने वाले 5 साल भी अगर इसी प्रकार का सुशासन देखना है, और आप सभी से हाथ जोड़ के विनती है, देखिए नेता से बड़ा भिखारी कोई नहीं और जनता से बड़ा राजा कोई नहीं। तो हम तो आज भी भिखारी थे, जनता एक कल भी भिखारी और कल भी भिखारी ही रहेंगे। सेवा क्या, सेवा करने आए हैं जी, तो आगामी 21 तारीख को बढ़ चढ़ कर जो मतदान करना है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करना, और माननीय कंवरपाल जी को जगाधरी विधानसभा से 1,00,000+ मतों से जिताकर इतिहास बनाना है। बहुत बहुत धन्यवाद राणा जी, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। बहुत